नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा मतलब कि महाराष्ट्र की राजनीति का, देश की राजनीति का। तो हमारा देश में महाराष्ट्र चुनाव में, चुनाव का माहौल है महाराष्ट्र भर में, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही है, एक चर्चा चल रही है कि अजीत दादा एकदम मतलब क्या डिसीजन लेंगे पता नहीं, क्योंकि चुनाव में सहभागी तो होंगे महाविकास महायुति के साथ, लेकिन क्या करेंगे उसके बाद, किसके तरफ जाएंगे, क्या करने वालों के मन में क्या चल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही है। तो ऐसे भी खबर आ रही है कि वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन वो पवार साहब के पास बैक टू पवेलियन जाएंगे, ऐसी खबर खूब चल रही है। क्या इसके पीछे की पूरी रणनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अजीत दादा का जो है महायुति के साथ रहना ठीक है या चले जाना ठीक है, इसमें अजीत दादा की भलाई है या बीजेपी की भलाई है, दोनों को हम बारी बारी से इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करेंगे। सर, सर्चिंग हमारा यही है कि अजीत दादा इस समय किसके ऊपर बोझ हैं और किसके लिए सही हैं। सर कैसे ना जी, अजीत दादा शरद पवार के एक शस्त्र अस्त्र है। हाँ, ये तो हम साधन है काफी दिन, जब उनको महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति राजवट थी जी वो उठाने का था, तो उन्हें अजीत दादा को बोल दिया कि तुम फडणवीस के साथ जाके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लो जी। शपथ लेने के लिए उनको राष्ट्रपति राजवट उठानी पड़ेगी, और एक बार राष्ट्रपति राजवट उठ गई तो हम उद्धव के साथ मिलके सरकार बनाएंगे और तुम्हें उप मुख्यमंत्री रहोगे जो भी हो। हाँ, वो अभी भी है, वहाँ भी थे, पहले भी थे, नहीं मगर हाँ वही भी वहाँ भी थे, बराबर। तो शरद पवार के साथ ऐसा उन्होंने नाटक किया और राष्ट्रपति राजवट उठाई और 80 घंटे के लिए। सर कैसे ना, इसके लिए शब्द यूज़ करता हूँ लोगों को बुरा लगता है, मगर अमित शाह की सम्मति से, मोदी जी की सम्मति से ये हुआ, तो मोदी और शाह शरद पवार का गेम समझ नहीं पाए, कितनी बुरी बात है। और 80 घंटे में उन्होंने उल्टा दिया, फिर भी शरद पवार के साथ 4 बार उन्होंने बात की कि भाई हमारे साथ आ जाओ, मतलब इतना दगाबाजी करने के बाद भी वो भरोसा करते हैं। अभी भी अजीत दादा को लिया क्यों? हाँ, शिंदे को चाहिए नहीं थे, फडणवीस को नहीं थे, सरकार चल रही थी, उल्टा उनके आने से बीजेपी के लोग दुखी हो गए। तो मुझे लगता है कि शरद पवार के साथ उनका जाना तय है जी। अभी इलेक्शन के पहले जाएंगे या नुकसान करके वहां जाएंगे, उनका रणनीति ये हो सकता है कि पहले उन्होंने अगर 60 जगह ली तो उनको कोई चुनकाओं जीतने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, 5-10 आए बस हो गए, उनको तो उप मुख्यमंत्री पद निश्चित है आगे की सरकार में जी, उसमें तो सवाल ही नहीं है। त्यामुळे वो शायद हो सकता है कि 60 जगह लेंगे, झगड़ के 80 लगा लेंगे और सब गिरा देंगे अपने ही, उनको कहाँ जीतने में इंटरेस्ट है, उनको शरद पवार को जिताने में इंटरेस्ट है, उद्धव को जिताने में इंटरेस्ट है, कांग्रेस को है, क्योंकि उनका ये वहाँ पे है भी। चुनाव से पहले जाने में इतना डैमेज वो महायुति को नहीं कर सकेंगे जितना वो बाद में जाएंगे तो करेंगे, पहले जाएंगे तो लोगों में ये हास्यास्पद हो जाएंगे बीजेपी कि इनको इतनी अकल नहीं है, इतना भी समझता नहीं, कोई भी आके इनको चुतिया बना के जाता है, 2-2 बार बनाता है फिर भी उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, ऐसा हंसी हो जाएगी सब उनकी, और बाद में जाते हैं तो बोलेंगे देखो जो डर था वही हुआ। और वो जाने वाले ये तो निश्चित है, अभी पहले जाते हैं कि बाद में, तो मेरा अंदाज है बाद में जाएंगे ऐसा लगता है। बाद में जाएंगे तो क्या, किस स्थिति में जाएंगे? नहीं, अनिल देशमुख मुख्यमंत्री होने वाला है। हाँ, आज की ताज़ा खबर आ रही है, वही हेडिंग होना चाहिए था आपका कि अनिल देशमुख फडणवीस के खिलाफ खड़ा हो रहा है, वो फडणवीस का पराभव करेगा, वो अलग वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो फडणवीस का पराभव करेगा, और अनिल देशमुख गृहमंत्री तो थे, गृहमंत्री तो बन सकते हैं इनकी सरकार आई तो, और उनको मुख्यमंत्री बनाने में फडणवीस की ना मुश्किल ज़्यादा रहेगी, और मुख्यमंत्री करके पहला वो काम ये करेगा फडणवीस को जेल में डालेगा, यानी कि अपना पवार साहब जो है उनको सीएम बनाएंगे डायरेक्ट, अनिल देशमुख को, उनका कैंडिडेट हो गया वो। सर अनिल देशमुख के प्रति पहले से वो सॉफ्ट है, दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जब उसको अरेस्ट हुई थे जी। आज तक किसी भुजबल के बारे में नहीं ली, भुजबल जेल में गए तब राष्ट्रवादी में थे ना इनके जी, कहाँ ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अनिल देशमुख के बारे में, वो बहुत सॉफ्ट है और उसके पीछे है अभी, और अनिल देशमुख ही अभी प्रोमिनेंट लीडर है, उसको ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कल का चीफ मिनिस्टर है उनका,
अगर उद्धव और उनमें आपस में ये हो गया था कि भाई डेढ़ डेढ़ साल करते हैं, लेकिन अभी तो कल तक आप भी बोल रहे थे कि पवार साहब और उद्धव मिलके अपना है, मगर सर रोज रोज नई खबरें आती है ना, तो आज सुबह की मेरी खबर ये है कि अनिल देशमुख को शरद पवार बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और उद्धव इसके लिए राजी है कि पहले मैं बनूंगा। हाँ। अभी इतना ही बाकी है कि कांग्रेस का तो बनाना नहीं है दोनों को मिलकर, मगर शरद पवार का कहना है कि एक रिवेंज की भावना आने के लिए अनिल देशमुख को बनाते हैं, पहले एक साल ही रहेंगे वो, बाद में रिजाइन करेंगे, फिर आप दो साल रहो, फिर लास्ट एक साल जो रहेगा वो हमको कांग्रेस को देना है, ऐसा करेंगे वो, तो कांग्रेस मान जाएगी। हाँ, कांग्रेस वाले लाचार कुत्ते बने के हैं अभी, राहुल और आज अभी सुबह संजय ने बहुत अच्छे कहा, किसी ने उनको पत्रकार ने पूछा मगर नाना पटोले ये बोले हम नाना पटोले को गिनते नहीं है, हमारी डायरेक्ट राहुल से बात होती है, राहुल क्या कहते हैं ये मायना रखता है, वो बोले क्या इसके ऊपर कुछ, ऐसा सीधा संजय ने बता के इनका कचरा कर दिया दोनों का, तो उनको कोई मानता नहीं है, बड़ी तिवार ये अभी दिल्ली में जाके बैठे उनको ये मैसेज मिलेगा कि संजय जो कहेगा, उद्धव जो कहेगा, पवार जो कहेगा वही करना है तुमको, मुख्यमंत्री पद की बात मत करो, अपने पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, उनके पास तो है अनिल देशमुख जैसा उम्मीदवार है जो फडणवीस को पराभूत करके आएगा तो कोई विरोध भी नहीं करेगा, से बड़ी घटना है, और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर से, उसे इतना बड़ा कारनामा किया कि भाई इनको इतनी ये करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, तब जाके चंदे टूटे, तब जाके अजित पवार तो खुद ब खुद टूट के आए, उनके पास अजित पवार ही गए थे कि हमको आना है फिर से, हमारी पहली गलती हो गई वगैरह वगैरह, तो वो शरद पवार अच्छी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति अभी वो बड़ी अलग तरह से उनका ही कमांड है, उनका ही गुगली है, अमित शाह का कमांड गया अभी, अभी महाराष्ट्र की नीति शरद पवार ही तय कर रहे हैं, और इसके हाथ से भी कुछ छूट गया सब, बुरा लग रहा है, मगर अनिल देशमुख ही राष्ट्रवादी के मुख्यमंत्री होंगे, अगर उद्धव नहीं होते अनिल देशमुख ने तो अनिल देशमुख पहले होंगे, एक साल के बाद वो रिजाइन करके उद्धव रहेंगे दो साल, फिर कांग्रेस सबसे ज़्यादा पार्टी है तो उनको दो साल देंगे, और उनकी वर्षा गायकवाड़ ही होगी, दूसरी कोई नहीं होगा, पटोले बिटोले को नहीं करेंगे। लेकिन सर अनिल देशमुख पर अभी भी केस चल रहे हैं सर, तो क्या हुआ, कहां निर्दोष साबित हुए, जेल से कितने लोगों पे केस चल रहा है ऊपर जो है सर, हमारे देश में जेल में रह के आदमी मुख्यमंत्री रह सकता है तो केस चल रहे, इसका बात क्यों करते हैं आप, केजरीवाल मुख्यमंत्री है कि नहीं, तो था कि नहीं, वो तो मुख्यमंत्री रहते हुए गए थे ना सर, तो इनको तो अरे मुख्यमंत्री का रिजाइन लेने किया उसने, तो अभी तो उसको बोला है तुम मंत्रालय मत जाओ, ये मत जाओ, मुख्यमंत्री रहो, तो ये तो सर, और कितने मंत्री दिल्ली के प्रशासन में, आमदार में, खासदार में, मुख्यमंत्री में, कि जिनके ऊपर क्या क्या आरोप है, महाराष्ट्र में किसके ऊपर आरोप है, वही लोग तो केंद्र मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ जाके बैठे ना, अजित पवार के ऊपर आरोप है कि नहीं, वो कहाँ है, किधर है, विडंबना है हमारे देश, 75,000 करोड़ कौन बोले, प्रधानमंत्री बोले, तो खाली अजित पवार के ऊपर थोड़ी है सर 75,000 करोड़, सबके ऊपर है ना सर, पवार साहब के ऊपर भी तो वही नहीं है ना, है ना, है ना, फिर किसके ऊपर नहीं है, खड़से के ऊपर है कि नहीं, खड़से किस केस चालू है कि नहीं, सबके चालू सर, वो बोला परसों मैं राष्ट्रवादी में जाता हूं तो आज बीजेपी वाले बोले नहीं उनका प्रवेश फिर से कराएंगे, अरे ये क्या चीज है, उनको नड्डा के सामने अंदर लिया और वो शिकायत करे कि मेरे को अंदर लिया मगर घोषणा नहीं की, मतलब हनीमून मना क्या है मगर शादी की घोषणा नहीं हुई और अब ये बोल रहे नहीं नहीं गणेशोत्सव के बाद उनका अधिकृत प्रवेश होगा, मतलब उन्होंने खाली इनको डर दिखाया कि मैं जा रहा हूं, जो वहां थे ही वहां से उठा के इनको लाए, तो लाए क्यों अगर उनको बाहर फेंकना था, तो बीजेपी भी अजीब है, खड़से राष्ट्रवादी में सुखी थे, उनको टिकट मिलता था, ऐसा लग रहा ना, तो उधर कर रहा था इधर कर रहा है, बीच नहीं दोनों तरफ कर रहा, अभी उल्टा होता है जो किधर का उधर का नहीं, दोनों तरफ का रहा, उसको बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं जाओ मत, थोड़े दिन रखो ना, हम करते हैं प्रवेश का अनाउंसमेंट, उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने महाजन ने नहीं आने दिया, राज्यपाल बनाने की उनको ये की गई पेशकश, फिर कि तुम्हें सीधा राज्यपाल बनाएंगे, हाँ क्यों उनके ऊपर खटले चालू है ना, इसके लिए क्या बात कर रहे हैं आप, अनिल देशमुख के फटला चालू है, अनिल देशमुख को तो छोड़ते समय जामीन देते समय कोर्ट ने ये बोला है कि इनके खिलाफ पर ये तो मतलब परमवीर सिंह का स्टेटमेंट था, उसके सिवा तो कुछ नहीं था, और परमवीर सिंह बोलता है ऐसा मैंने सुना था पुरावा मेरे पास भी नहीं है क्या बात है, पुरावा नहीं है, मैंने सुना था, ओहो, और गए कौन अंदर, संजय पांडे, अभी संजय पांडे पार्टी निकाल के खड़े हो रहे हैं, उनके मनाया जा रहा है कि आपको टिकट देते हैं, बताओ
बोले सर, 100 करोड़ का वसूली का आरोप है अनिल देशमुख पर। फालतू आरोप है सर, 1000 करोड़ तो अभी खाने वाले बैठे हैं, पहले भी बैठे थे। 1000 करोड़, 100 करोड़ सर मामूली चीज है। 100 करोड़ महीने का? हम महीने का ही बोल रहा हूँ सर, महीने का 1000 करोड़ खाने वाले, 2000 करोड़, 3000 खाने वाले पहले भी थे, आज भी है कि नहीं? मतलब कोई मायने नहीं रखता है। 100 करोड़ खटला जेल सर, 100 करोड़ तो हमारे महापौर नगर सेवक ये लेवल के लोग खाते हैं आजकल। एनीवे सर, हम बात कर रहे थे अजीत दादा के ऊपर, और उसका पुरावा कहाँ दे पाए सर? 2.5 साल सरकार थी हमारी, 2 साल से है ना मारुति सरकार, अनिल देशमुख को तो जामीन मिला, कोई सिद्ध हुआ? अब तो वो कल एक ने मुझे फोन किया, आपको मालूम है आदित्य को अभी अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों? नहीं बोले वो दिशा सालियन और ये मामले में उसको अंदर ले रहे हैं। मैं बोला 2 साल हो गए सरकार को, 2 साल में जो सरकार कुछ नहीं पाई कर पाई, ओके 1 महीने के लिए सरकार बदलने के समय करेगी, उल्टा उसको सहानुभूति मिलेगी। केजरीवाल को सहानुभूति मिली, अभी दूसरा राहुल गांधी बन के वो देश में घूमेगा। तो आदित्य को अरेस्ट करने का पागलपन मत करो बोलो उनको। बोले नहीं नहीं। मैं बोला CBI CID तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, सबका इंक्वायरी हो चुका है, सबका रिपोर्ट आया है, इनकी हिम्मत नहीं है वो डिस्क्लेयर करने की, वो बोल रहे करो डिक्लेयर, इनकी हिम्मत नहीं कि उसको निर्दोष ये किया है ना। तो भावना गौड़ी के थे 75 करोड़ उसके पीए के पास मिले थे, उसको तो टिकट भी दिया, अभी आमदार भी किया, मंत्री भी होगी वो, चल अगर फिर से सरकार आई तो। अपने आप भ्रष्टाचार कोई कलंक नहीं है, कलंक शोभा है, और जितना भ्रष्टाचार करेगा उतना आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी भ्रष्टाचारी बैठे भाई, जिनके ऊपर फडणवीस और किरीट समय ने आरोप किया वो तो सभी अभी बीजेपी में, जिसके जिसके ऊपर ये तो ऐसा हो गया है कि किरीट आरोप करे तो उसका भला हो जाता है, उसको बीजेपी में प्रवेश मिलता है और मंत्री पद भी मिलता है, खासदार की मिलती है, आमदार की मिलती है, राज्यसभा मिलती है कि नहीं? बट लेकिन किरीट सुबह कुछ नहीं मिलता है, किरीट सुबह खुद नाराज होकर बोलते मेरे कुछ मिला नहीं, और समिति में जाते नहीं क्योंकि उनको डर क्या है मालूम है, वो अगर प्रचार समिति में गए स्टार प्रचारक तो अजीत दादा पहले उनको ही बुलाएंगे और मेरा प्रचार करने, वो किस मुंह से जाएंगे? 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया अजीत के खिलाफ उन्होंने, वो वहां जाके बोलेंगे ये महात्मा है उनको ये करो, दुरात्मा से महात्मा तक कहां तक स्तुति करेंगे वो, इसलिए उन्होंने अवॉइड किया, उनको मालूम है सब कलंकित बैठे उनका स्तुति करने के लिए। तो मतलब अजीत दादा का मतलब कि जाना था नहीं मायावती में आना, ये पवार साहब का गूगली समझ लो, गूगली गूगली बिल्कुल ये सब, और ये बीजेपी वाले समझ नहीं पाए ऐसा लगता है, मगर इतने मूर्ख है क्या वो बीजेपी वाले, इतने मूर्ख है मुझे नहीं लगता है, इतने भी मूर्ख नहीं है वो शायद, नहीं और 80 घंटे में उन्होंने राष्ट्रपति राजवट उठाई, फंसाया, ये किया, वो सब सामने था, और ये आने के बाद उसके 10 मंत्री पद दे दिए, सब बड़े मंत्री उसके हो गए और मंत्री भी रहे और फिर से मंत्री होंगे वो, ये भी बात सच है अगली बार। तो अजीत दादा और शरद पवार मिलके इनको चुतिया बना रहे कि ये चुतिया खुद बनने चाहते हैं, यही समझ में नहीं आता है मेरे, इतना बेभरोसे के आदमी को आप 60 जगह दे रहे, मतलब 60 जगह खो रहे, अरे वो 60 जगह लड़ाओगे तो कम से कम 20 आएगी उसमें से तुम्हारी सरकार बनेगी, बिल्कुल तुम 120 तक अगर हो तो उसमें दादा के 5-3 ही पकड़े लोगों ने, 5 से ज्यादा वैसे भी दादा के आने वाले नहीं, तुम 60 हो 80 लो कुछ भी लो, ये भुजबल गिरेगा मालूम है आपको, उसके भी बड़े दादा लोग गिरने वाले हैं अगर अजीत दादा के साथ रहे, उनको पहले टाई अप करना भाई है शरद पवार को, भाई चुन के आए तो आपके साथ है तब जीतेंगे, तब जीत सकते हैं, ऐसे शरद पवार रिप्लेस करते रहते हैं सबको, अजीत दादा को नहीं करना है उनको, अजीत दादा उनका हिडन हॉर्स है, तो चलो अजीत दादा जाएंगे तय, पहले जाते हैं बाद में, पहले गए तो नुकसान है, बाद में गए तो और नुकसान है, अभी गए तो 40 लोग कम होने से सरकार नहीं गिरेगी, मगर बीजेपी को लोग सब बोलेंगे कितने मूर्ख लोग बैठे हैं, और बीजेपी के निष्ठावान जो है, जो विष्ठावान नहीं है, वो बोलेंगे पहले से हम बोल रहे थे इसको ले मत, हमारे ऊपर ऐसा ये कर दिया, बोझ डाल दिया आपने, थोप दिया, तो बहुत खुश होंगे वो सर। अजीत दादा का पराभव ये बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है, सब जितने बीजेपी 99% लोग चाहते हैं कि उसको पराभूत करो, उसको ही गिराओ साले, उसको ही नहीं किधर रखो, वही बात हो जाए,
ये चाहते हैं, उसको गिराएंगे सर सब मिलके, शरद पवार बचाएंगे उसको। देखो क्यों शरद पवार को चाहिए सर, विचित्र है, अजित पवार जाने वाले हैं, अभी पहले गए तो भी नुकसान ही है, बाद में गए तो भी नुकसान है, पहले गए तो कम नुकसान होगा, अभी जाएंगे तो अच्छा है, मगर जाएंगे नहीं, वो उनको जो मिशन दिया है वो यही है कि बीजेपी की सत्ता न आए, इसलिए अंदर जाके प्रयत्न करो, कभी कभी बाहर से ही करते हैं, वैसे अंदर से भी करते हैं, सरकार में रह के भी करते हैं। भाई बांग्लादेश की सरकार अमेरिका ने गिराई जी, ये अभी खुला हो रहा है सब जगह, क्रांति तक लेके गए वो सर, अभी उनको तय है, उनको अमेरिका भी चाहती है मोदी की सरकार गिराना, अभी दूसरा षड्यंत्र बांग्लादेश के बाद भारत में होने वाला है, अभी रुको दो चार महीने, देखो क्या क्या कैसा देश में दंगे भड़कते हैं, ये होता है वो, तो सब अमेरिका ये करने वाली है, अभी वो रुके ना अमेरिका, उनका अध्यक्ष पद का चुनाव है, उसमें अगर वो आ गए ना, क्या नाम है उसका, ट्रंप नहीं आया तो उसके बदले वो आएगी इंडियन ओरिजिन वाली, वो तो भारत का सत्यानाश करने के ऊपर पहले से तुली हुई है, वो आएगी तो वहां जो रहने वाले भारतीय उनको भी तकलीफ देगी, यहाँ भारत को भी तकलीफ देगी, सीआईए की कार्रवाई बढ़ेगी, सरकार मोदी के खिलाफ है, वो ट्रंप मोदी के साथ है, ट्रंप आना अपने लिए हित कर गए, ये अलग बात होगी, चलो छोड़ो, अजीत पवार जाने वाले हैं, आप जाते हैं कब जाते हैं, सो मौत निश्चित है, आज का मरण हम उदया पे डरकल रहे, चलो धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था अजीत दादा की क्या स्थिति परिस्थिति और आगे की यथार्थ स्थिति क्या होगी और कहाँ पर रह के वो अपना राजनीति जो है आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको बनना है मुख्यमंत्री, किसी भी हालत में अजीत दादा को अब मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री सर, वहां जाके मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले वो जी, उप मुख्यमंत्री रहेंगे वहां, तो अनिल देशमुख के सिवाय उनके सामने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, ये दो ही अगर मुख्यमंत्री अगर बन गए तो समझ लेना ये शरद पवार जी का ही पूरा गेम प्लान था। अजीत दादा जी नहीं बनाएंगे उनको, क्यों बनाएंगे भाई, गुलाम है, गुलाम को गुलाम की जगह रखो, नहीं अगर सीट कम पड़ी तो बनाना ही पड़ेगा ना सर, नहीं इतनी सीट इसके पांच आने वाली नहीं है, क्या बात करें आप, ये पांच से ज्यादा नहीं जाएगा, किधर भी रहो मायूसी में रहो, देख क्या देखते हैं, अभी देखो ना उसका कोई आता है क्या, उसकी बीवी को अपने गाँव में नहीं बचा पाया है, वो भाव में बीवी गिर गई उसकी, और मुझे भेजा था मैसेज, अगर मैं क्या पागल हूं उसको खड़ा करूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो नहीं, अभी बोलता है गलती होगी, अभी तो परसों बोल रहा है शरद पवार को छोड़ा वो भी गलती होगी, अरे तू गलतियों के पीछे गलती कर रहा है, भुगत रहा है फडणवीस, हाँ अजीत पवार गलती करे और भुगते फडणवीस, ऐसा चल रहा है, बीजेपी भुगत रही है, अभी भी वो पार्टी का सत्यानाश कर रहा है, भुगत रहे कौन फोड़ रहे, बीजेपी वाले भुगत रहे, इसकी माफी उसकी माफी, शरद पवार की भी अभी माफी मांगेंगे ओपनली, क्योंकि जाने के लिए बहाना भी चाहिए ना, शरद पवार का अहंकार है, मेरे को शरण आया मैंने मरण नहीं दिया, अभी क्या बोलते हैं सब 40 आ जाओ, वो नहीं उसको नहीं चाहिए सर, कल बोलेंगे 40 बोले सर हम भी आते हैं मगर उसको भी ले लो ना, बहुत ही पाँव पड़ा पाँव छुआ पाँव चाटा कर ले लिया, वो चाटुगिरी भी करेगा ये कुछ भी करेगा। फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्या होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम काफ़ी दिन से 2-3 दिन से देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स हैं कि हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो स्थिति है जो सही आईना है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको अगर लगता है कि गलत है तो हम, मैं जो बीजेपी के खिलाफ मैं बोलता हूँ ना ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग उनको नहीं, मैं खिलाफ नहीं उनको मैं खाली के पक्ष में है, मैं उनको खाली मैं साक्षीदार देता हूँ जी कि आप बीजेपी के किसी भी नेता को बोलो कि अनिल थत्ते का बीजेपी के सब बड़े नेता जो हैं उनसे क्या रिश्ता है, कितनी दोस्ती है, आपको कोई एक भी नहीं बोलेगा कि वो अनिल थत्ते का उनका संबंध नहीं है, किसका भी नाम लेकर पूछो कि भाई अनिल थत्ते और उनका कैसा संबंध है, फडणवीस जी के बारे में बोलो, आशीष शेलार के बारे में बोलो, कोई किसी कोई भी नाम आप लो, वो बोलेंगे नहीं वो उनके तो दोस्त है। फडणवीस साहब से मिला था मैंने, आपका विजिटिंग कार्ड पे आपका फोटो है, दिखा उनको, बोलते मैं जानता हूँ सब देखता हूँ आपका चैनल भी देखता हूँ कभी कभी टाइम मिला सर, वो बाहर के लोगों के साथ क्या बोलते हैं वो बात अलग है, मेरे साथ क्या बोलते हैं वो बात अलग है जी, मैं कभी उनको दूसरे लोगों के सामने मिलता ही नहीं हूँ, पब्लिक के सामने किसी को मिलना नहीं, वो लोग आग लगाने बैठते हैं सर पूरी बरोर बस्ता ऐसा शुरू करते हैं, खासगी में मिलना प्राइवेट में मिलना गुप्त रूप में मिलना यही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये भाजपा वगैरह के खिलाफ नहीं, भाजपा का भला चाहते हैं, अभी वो नेने हैं मेरे साथ बोलते हैं मराठी में और हिंदी में, वो तो बीजेपी के वो बीजेपी के है, वो संघ परिवार वो
अभी क्या बोलूँ, वो सेंसॉर बोर्ड में थे, आर्थिक महामंडल कितने इसमें थे, एडवाइजर थे, क्या क्या थे, अभी भी है, अभी मैं उनका ये मोहन भागवत पढ़ते हैं सर, उनको मैंने लिया ना, इसका मेरे को ये फायदा है कि संघ परिवार और बीजेपी के शीर्षस्थ नेता उनका पहले से पढ़ते थे, अब मेरा पढ़ देखने लगे, कुछ नहीं देखते थे, अभी निनी की वजह से वो देख रहे हैं, मेरा ये बढ़ गया ना, और बढ़ गया, अभी तो उनकी वजह से मुझे बीजेपी का पूरा महाराष्ट्र का लिस्ट मिल गया है, 25,000 लोगों को मैं अभी तुम्हारा क्या ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में लिया है मैंने। चलो छोड़, हम क्या बीजेपी के खिलाफ नहीं, हम सबके खिलाफ और सबके साथ। तो फ्रेंड्स आपको प्रतिक्रिया दीजिए, आप बने रहिए, जिसको जाना है ना कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, देखो ये व्यू कितने कम होते जाता होते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो आपका कौन होगा वो बोलता नहीं है, उन्होंने बीजेपी के साइड में 3 साल काम किया और एक वीडियो खाली बीजेपी की एक श्वेता शालिनी करके उसके खिलाफ बनाया, उसने तो मुकदमा ही ठोक दिया, फिर फडणवीस ने वो पीछे भी लेने को मजबूर किया उसको, मगर उसके 1 या 2 लाख ये व्यूअर्स कम हुए भावतौर से करके, नहीं मैं नाम नहीं जानता उसका, नहीं बताना नहीं चाहता हूँ, मगर 1-2 लाख व्यूज कम हो गए, कॉन्ट्रीब्यूटर्स सब्सक्राइबर्स निकल गए, ये बीजेपी पनिश भी करती है और देती भी है सब्सक्राइबर, नहीं भावतौर से कर का नाम मत लो आप, आप पकड़े जाएंगे फिर, वो बोलेगा नहीं इतना नहीं इतना हुआ, इतना नहीं इतना हुआ, खुद उसने बोला है कि कम हुआ है, मगर वो बात अलग, तो अपना कम हुआ ज़्यादा हुआ सर उसके ऊपर नहीं चलते, देखो आपका वीडियो अगर ये महाराष्ट्र में ना सिर्फ 5,000 लोग है जिनका इन्फ्लुएंस चलता है, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस चले ना बस है, बाकी दुनिया देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा 10 लाख जाने के बजाय 10 महाराष्ट्र के जो लोग हैं शीर्षस्थ सभी पार्टी के, वो अगर मेरा देखते हैं मैं खुश हूँ, 10 ही व्यूज मिले मुझे तो चलेंगे, मगर वो ऐसे लोगों के चाहिए कि जो महाराष्ट्र में निर्णायक है, और वो है मेरे पास, और उनको क्या मैं ग्रुप में थोड़ा भेजता हूँ, उनका मेरा फोन ही अलग है, वो 10 लोगों का गगन मेरी नहीं है, मेरे पास 8 फोन है, लोगों को पता नहीं है, उसमें से एक फोन है वो डायरेक्ट एक एक से जुड़ा हुआ है, उनको भेजता हूँ, वो देखते हैं, नहीं टाइम मिला तो वो भी बोलते हैं मैंने देखा नहीं बाबा, गड़बड़ी कमियत है, मैं तू बोल ना माला काय बोल रहा है इसके, मैं सारांश में 2-3 वाक्य में भी भेजता हूँ उनको सारांश की, इसमें ऐसा बोला है, खिलाफ बोला है तो वो भी लिखता हूँ कि इस बार खिलाफ लिखा है, बोलते ठीक है ना, तुम सदा हमारी स्तुति करोगे तो तुम भाट बनोगे, शाहिर बनोगे, हमारे लाचार बनोगे, हमारे मौत मतलब कुत्ते का मुंह क्या बोलते हैं उसको, हिज मास्टर्स वाइज बनोगे, तुम हमको जहाँ पे तुमको नहीं लगता है क्रिटिसाइज करोगे तो ही तुम्हारी स्तुति का मूल्य है, सदा स्तुति करोगे तो फिर ऐसे स्तुति करने वाले चैनल तो हमने पाल पोस के कुत्ते जैसे रखे हैं, है हमारे पास ऐसे कुत्ते बहुत, तुम कुत्ते नहीं हो शेर हो, तो शेर दहाड़ेगा, हम तो शेर है दहाड़ेंगे, साथ में भी रहेंगे दहाड़ेंगे भी, जो जाना है जाने, कोई परवाह मत करो, ठीक है, ये बहुत चिंतित रहते हैं, अरे ये सब्सक्राइबर कम रहे, अरे ये व्यूज कम हो रहे, मरने दो ना तुमको, 10 लोग देखे तो भी जो देखना चाहिए वो देखे ना, खत्म मामला, चलो जिसको देखना है देखो, सच्चाई सामने आनी चाहिए, हमारा खाना है सच्चाई सामने आनी चाहिए, बिल्कुल, तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।